वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सोनी मोनी आर्टिस्ट पर। आज हम फिर से एक बार आप सभी के लिए न्यू डोरमेट डिजाइन लेकर आ चुके हैं। ये डोरमेट डिजाइन इतना आसान इतना ब्यूटीफुल है कि आप इसे मार्केट से महंगे महंगे डोरमेट लाने के बजाय इसे घर पर ही बना सकते हो बिल्कुल सस्ते में, और वो भी वेस्ट क्लॉथ का यूज करके, जैसे पुरानी शर्ट साड़ियों का, और जो आपके आसपास जो टेलर है उनके जो सिलाई के बाद जो वेस्ट क्लॉथ बच जाते हैं उनका यूज करके भी आप ये डोरमेट बना सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो बिना टाइम वेस्ट के चलो डोरमेट बनाना स्टार्ट। सबसे पहले हम ये प्लास्टिक बैग लेंगे जिसमें गेहूं चावल आते हैं, वो वाले प्लास्टिक बैग। और इस पे सर्कल कट करने के लिए हम एक बर्तन लेंगे ये, और फिर हम पेंसिल की हेल्प से इस पर निशान लगा लेंगे। और अब हम इस सर्कल को कट कर देंगे। और ये हमने सर्कल कट कर लिया है, और इसकी किनारे पर लगाने के लिए हम ये पट्टी लेंगे, और जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 2 इंच। और ये हमने पट्टी सीधी कट नहीं की है, हमने ये उरे में कट किए ताकि आसानी से इसकी गोलाई पे सेट हो जाए। और ऐसी ही पट्टियां हमने और तैयार की हैं, और इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। ऐसे रखना है इनको, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, और ये हमने इस पर सिलाई लगा ली है, और इसको पलट लेंगे, और इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। और इसको उल्टी तरफ इसको फोल्ड कर देंगे, और इसके किनारे किनारे पर ये सिलाई लगा देंगे। और हम इसको थोड़ा सा रख के इसको कट कर लेंगे, और जो ये इसको फोल्ड कर लेंगे। और इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, और अंदर की तरफ से और थोड़ा फोल्ड करके और इस पर सिलाई लगा देंगे। और ये हमारी ये किनारे लगकर तैयार है, अब हम इसको साइड में रखेंगे। और फिर हम ये कपड़ा लेंगे, रिस्ट को हम एक बार फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करने के बाद इंच टेप की हेल्प से इस पर निशान लगाएंगे 4-4 इंच पर, जैसे 4, 8, 12। फिर हम इसको कट करेंगे। और 4-4 इंच के हमने ये कट कर लिए हैं। अब हम इनकी पत्तियां बनाना स्टार्ट करेंगे, किसी भी एक कोने से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको यहाँ से अंगूठे की हेल्प से इसको थोड़ा सा दबाएंगे, फिर इसको रोल रोल करेंगे, रोल रोल करते जाएंगे। फिर सेंटर में आने के बाद अब इसको हम इस कोने से थोड़ा सा खींचेंगे, फिर इस पर चुन्नटे डालना स्टार्ट करेंगे। फिर ये हमारी पत्ती बनकर तैयार है, और अब हम इस पर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और ऐसे ही इन सभी को भी बना लेंगे। इसको इस कोने से इसको थोड़ा रोल करेंगे, शुरू में इसको थोड़ा ज़्यादा दबाना है ताकि जो हमारी पत्ते है वो अच्छे से बने, नहीं दबाएंगे तो थोड़ा ये मोटा हो जाएगा और फिर ये पत्ते अच्छी नहीं लगेगी। फिर इसको यहाँ कोने से थोड़ा सा खींचना है, फिर इस पर चुन्नटे डालेंगे, और ये पत्ती बन गई है। और ऐसे इस पर ऐसे यहाँ पर सिलाई लगा देंगे।
और ये हमारी पत्तियां बनकर तैयार है। और ऐसे ही हम अलग अलग कलर की और पत्तियां बनाकर तैयार कर लेंगे। इन सभी को हम इस पर लगाना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हमने ये वाला कलर लिया है और जिसमें हमने केवल 7 पत्तियां ली है, और इसको यहाँ पर हम किनारे पर रख देंगे। और ऐसे हमको यहाँ पर 7 पत्तियां रखनी है। और हमने यहाँ पर अलग अलग कलर की 7 पत्तियां रख दी है और इन सभी पर हम सिलाई लगा लेंगे। और ये हमने पहले लाइन कंप्लीट कर लिए। और जो हमने 7 पत्तियां रखी थी उनके बीच में हमने ये अलग कलर की और पत्तियां रख दी इनके बीच बीच में। और ये जो 7 पत्तियां रखी हैं उनके आगे हम अगली लाइन में रखेंगे 6 पत्तियां, और ये 6 पत्तियां इनके बीच में रख देंगे। और ऐसे ही इनके बीच में भी रखना है। और ये हमने 6 पत्तियाँ रख दी है और इन पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस पर हमने सिलाई लगा ली है और जहाँ पर हमने 1-1 पत्तियाँ रखी थी वहाँ पर हम अब 2-2 पत्तियाँ रखेंगे। हमने यहाँ पर 2-2 रख दी है और यहाँ पत्तियाँ रखी थी वहाँ पर हम अब 4 रखेंगे इन सभी पर। और अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। और जो ये पत्तियाँ हैं ये वाली ये तो कम होती जाएंगी और ये वाली ये बढ़ती जाएंगी पत्तियाँ। जैसे ये वाली पत्तियाँ 4 हैं तो अगली लाइन में ये 3 हो जाएंगी और ये 2 है ये 3 हो जाएंगी। ये सिलाई लगाने के बाद इनको अच्छे से दबाने के लिए इस पर एक और सिलाई लगा देंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इनको हम कट कर लेंगे। और इस पर एक सिलाई लगा देंगे दबाने के लिए इसको। अब इसको कवर करने के लिए हम इस कपड़े में से फ्लावर कट कर लेंगे गोलाई में। इसको फोल्ड करने के बाद इसको हम यहाँ पर रख देंगे। और इसको हम सिलाई मशीन की हेल्प से नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मोटा हो चुका है, तो यहाँ पर हम सुई धागे की हेल्प से सिल देंगे।
और ये हमारा ब्यूटीफुल सा डोरमेट बनकर तैयार है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको डोरमेट कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूनिक डोरमेट के साथ। तब तक के लिए बाय।